आज की वीडियो बहुत ही कमाल की है। अगर आप भी दोस्तों वोडाफोन एयरटेल दोस्तों कोई सा भी सिम यूज करते हैं और दोस्तों आपका जो स्पीड है बहुत ही कम देता है, मान लीजिए आपको दोस्तों डेली कम से कम 2 GB 1 GB डेली आपको फ्री मिलता है और जो आपका नेट का स्पीड होता है दोस्तों बहुत ही स्लो चलता है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा जिससे कम से कम दोस्तों आपकी नेट की स्पीड 100% बढ़ जाएगी और अच्छे से आपके नेट को स्पीड को यूज कर पाओगे 1.5 GB 1 GB बिल्कुल फास्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहला दोस्तों ट्रिक बता रहा हूँ दोस्तों, दो दिन आपको ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहला ट्रिक है दोस्तों, यहाँ पर चलना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर करना है क्या, ध्यान रखिए कि यहाँ पर दोस्तों आपको चलना है नेटवर्क की सेटिंग में और यहाँ पर आपको जाना सीधे APN में जाना है। आपके फ़ोन में जहाँ पर भी APN होगा दोस्तों APN को क्लिक करना है, जो नेटवर्क सेटिंग में मोबाइल के जो नेटवर्क होता है उस पर आप APN में जाइए। APN में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर ध्यान से देखते रहिएगा और यहाँ पर दोस्तों कोई सा भी जियो हो चाहे कोई सा भी सिम हो, ध्यान रखिए जियो वोडाफोन एयरटेल चाहे कोई सा भी सिम हो दोस्तों, उसको दोस्तों बिल्कुल आप कम से कम 4 से 5 GB तक स्पीड भी यहाँ पर मिल सकता है आपको। तो उसके लिए करना क्या, मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, ध्यान रखिए चलते हैं बैक। जैसे ही APN सर्विस में आएंगे तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे आपको यहाँ पे WW लिखा हुआ, तो आपके पास भी जो यहाँ पे जो सबसे पहले साइन में लिखा हुआ यहाँ पे जो साइन होगा जहाँ पे APN में उसको आप क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ध्यान रखिए यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ चलना आपको यहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक करना, जो बता रहा हूँ ध्यान रखिएगा पे क्लिक करना है, APN प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरा IPv4 ये लिखा हुआ, तो आप PV4 IPv6 इस पे दोनों पे हमें कर देना है। इस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक करने के बाद दोस्तों देखते हैं मेन जो सेटिंग है, यहाँ देखते हैं यहाँ पे इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद दोस्तों व्यूअर पे, उसके बाद देखते हैं यहाँ पे लेटेस्ट पे, जो यहाँ पे जो आपका दोस्तों जो नेट यहाँ पे नेट आपको मिला होगा 4G का नेट मिलता है, तो 4G के नेट के लिए यहाँ पे आपको लिखना होगा लिटल पे क्लिक कर देना है। जैसे लिटल पर क्लिक करेंगे तो आपका जो स्पीड होगा, ध्यान रखिए इस तरह भी स्पीड आपका नहीं बढ़ेगा, इसके आगे भी सेटिंग बताऊंगा। तो यहाँ से तो ये दो आपकी सेटिंग हो गई, ठीक है, यहाँ से भी मैं कर दे रहा हूँ इसको, ये भी आपको कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं ये भी जो लिखा हुआ है इसको आपको 6 पे कर देना है, दोनों पर कर देना है। दोनों पर करने के बाद हम यहाँ से चलते हैं बैक, यहाँ से पहले बैक जाने से पहले ध्यान रखिए इसको डाउन कर देना है, यहाँ से मैंने डाउन कर दिया। करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमें चलना, तो यहाँ पे अब चलना है इसको, अब चलना सीधे होम पेज पे, और उसके बाद दोस्तों आपका फ़ोन को रिस्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से आपके फ़ोन को थोड़ी देर के लिए यहाँ से आपको फ्लाइट मोड में कर देना है। फ्लाइट मोड में करने के बाद दोस्तों मैक्सिमम आपको 5 से 10 सेकेंड चाहे 1 मिनट भी रोक सकते हैं। और ध्यान रखिए दूसरी बात कि दोस्तों यहाँ पे आपको दिन में कम से कम हर दिन आपको कम से कम ये जो फ्लाइट मोड है रात में करें चाहे दोस्तों दिन में करें, ठीक है, फ्लाइट मोड को यहाँ पे आपको कम से कम दिन में 24 घंटे में कम से कम आधा घंटा डेली आपको इसको रखना पड़ेगा, मतलब फ्लाइट मोड करके, क्योंकि दोस्तों जब फ्लाइट मोड करते हैं तो जितना सिस्टम होता है सारा दोस्तों नेट से लेके कोई से सारा एप्लीकेशन है ऑटोमेटिक रुक जाता है, और इससे क्या होता है कि जितना यहाँ पर जो रुकावट है आपकी मतलब नेट की, जैसे ही ओपन करेंगे और जो फर्स्ट एप्लीकेशन जैसे ही आधा घंटा इसको रोक देते हैं, ठीक है, इसका आधा घंटा फ्लाइट मोड रखते हैं, उसके बाद इसको ओपन करते हैं, फ्लाइट मोड में रखने से क्या होता है कि जितना सिस्टम में सारा रुक जाता है मतलब कोई सा एप्लीकेशन चल नहीं पाता है, उसको नेट बिल्कुल नहीं मिल पाता है, तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे उसके पास नेटवर्क नहीं आता है। और उसके बाद दोस्तों फ्लाइट मोड करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट एप्लीकेशन आप खोलेंगे, मान लीजिए गूगल क्रोम आपने खोला, मैंने यहाँ से इसको कर दिया फ्लाइट मोड से कर दिया, उसके बाद मैं गूगल क्रोम खोलूँगा तो वही उसी को स्पीड सबसे ज़्यादा मिलेगी नेट पे, जो नेट पे जो स्पीड आएगी इसकी देख सकते हैं, इस पर देख सकते हैं कितना फास्ट में खुल चुका है। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों इतना फास्ट में आपका जो नेट हो जाएगा और इस तरह दोस्तों आप कम से कम 4G से 5G स्पीड भी कर सकते हैं इस ट्रिक को। तो ध्यान रखिए दोस्तों दिन में कम 24 घंटे में एक बार कम से कम आपको फ्लाइट मोड करना होगा, सिर्फ आधे घंटे के लिए, रात में कीजिए चाहे कभी भी कर सकते हैं इसको। और ये सेटिंग जो बताया है वो सेटिंग 100% आप कर लीजिए, और करने के बाद दोस्तों आजमाइए इसको और पक्का आपको आपकी जो स्पीड है जो जियो एयरटेल वोडाफोन चाहे कोई सा भी सिम यूज़ कर रहे हैं सब की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों इस तरह दोस्तों आप कम से कम अच्छे खासे नेट यूज कर सकते हो बिना रुकावट के, अपने जो 2 GB 1 GB नेट मिलता है उसको बिंदास आप यूज कर सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके लिए ऐसी ऐसी ट्रिक आपके लाता रहता हूँ और ऐसी ट्रिक पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।